डभोई विधानसभा बैठक पर वर्तमान विधायक वैसे शैलेश मेहता उर्फ सोट्टा की भव्य जंगी बहुमति से विजय होते हुए उनके द्वारा विजय सरगस विजय यात्रा निकाली गई। गुजरात विधानसभा 2022 के कल मतगणना के बाद चुनावी चित्र स्पष्ट होते हुए 156 जितनी बैठकों पर भाजपा ने अपना परचम भगवा लहराने के साथ अपना कमल खिलाया है। ऐसे में डभोई विधानसभा बैठक पर वर्तमान विधायक शैलेश मेहता को रिपीट थियरी के आधार पर टिकट देने के साथ उनके द्वारा जोरों शोरों से चुनाव प्रचार किया गया था। एड़ी चोटी का जोर लगाने के साथ उनकी ये मेहनत रंग लाते हुए एक बार फिर डभोई विधानसभा की बैठक पर भाजपा ने अपना कमल को खिलाते हुए भगवा लहरा दिया है, जहां विजेता वैसे शैलेश मेहता उर्फ सोट्टा द्वारा डभोई नगर में अपनी ये जंगी बहुमति जीत के साथ विजय सरगस निकाला गया। चुनाव जीतने के बाद तथा मतगणना के बाद विधायक शैलेश मेहता द्वारा भव्य सरगस डभोई हीरा भागोल गढ़ भवानी माता के मंदिर पर दर्शन करने के बाद निकाला गया था। लगातार दूसरी बार शैलेश मेहता उर्फ सोट्टा जंगी बहुमति से चुने जाने के साथ विजेता बने हैं। ऐसे में डभोई की परंपरा की कहावत के मुताबिक दूसरी बार एक ही सर विधानसभा में चुना चुनने के साथ विजेता नहीं हो सकता। यही कहावत को बदलते हुए अंदर के ही कुछ विरोधियों के बीच अपनी कुशलता और चाणक्य नीति से जंगी बहुमति से शैलेश मेहता उर्फ सोट्टा द्वारा अपनी विजय को प्राप्त किया गया। ऐसे में गांव लोगों के बीच आतिशबाजी के साथ भव्य स्वागत सत्कार करते हुए उनका विजय सरगस यानी कि विजय यात्रा निकाली गई थी। डभोई भाजपा कार्यालय से भव्य विजय सरगस निकालने के बाद उनके द्वारा गढ़ भवानी मंदिर पर पहुंचने के साथ माता दी के दर्शन कर आशीर्वाद लिए गए, जहां दूसरी बार लगातार जीत हासिल करने वाले वैसे शैलेश मेहता उर्फ सोट्टा पर नगर तथा तालुका की लोगों द्वारा शुभकामना देने के साथ उनका जयघोष किया गया था। सतत 3 वक्त भारतीय जनता पक्ष डभोई विधानसभा जीते थे। अहियाँ एवं कहवात के जो उम्मीदवार बे वक्त जीतता नहीं सतत आज पण इतिहास बदलायो छे, सतत बीजी वार जीत्यो छु। आनी साथे साथे ज आपणे जोयुं के जन सैलाब आज दरबावतीमां उमटी पड्यो छे अने 2-2.5 किलोमीटर लांबी रेली अने मानव मैरावण तमने जे के माता ज माता देखाय એવી પરિસ્થિતિ આજે અહીંયા ઘડી સર્જાય છે। હું આપના મારફત આ તમામનો આભાર માનું છું અને તમામ મતદારોને અભિનંદન આપું છું કે એમણે ભારતીય જનતા પક્ષને મત આપ્યા છે। સૌનો સાથ સૌનો વિકાસનું જે સૂત્ર છે એને અનુરૂપ છેલ્લા 5 વર્ષમાં કામગીરી કરી છે અને આવતા 5 વર્ષમાં પણ એ પ્રમાણે કામગીરી કરશે। વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ જે રીતે દેશમાં વિકાસ કર્યો છે, ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ અને એમની સરકાર જે રીતે ગુજરાતમાં વિકાસ કરી રહ્યો છે અને એના કારણે ડબલ એન્જિનની સરકારના જે કામો છે એ કામોને લઈને આજે તમામ રેકોર્ડ ભારતીય જનતા પક્ષે તોડી નાખ્યા છે। ભૂતકાળમાં કદી ના આવ્યો એ સીધો આવે છે અને ગુજરાતમાં અને ખાસ કરીને વડોદરા જિલ્લો આજે કોંગ્રેસ મુક્ત થયો છે। 9 ભારતીય જનતા પક્ષને 1 અપક્ષ એટલે કે કોંગ્રેસની 1 પણ સીટ વડોદરા શહેર જિલ્લામાં આવી નથી, એટલા માટે હું વડોદરા શહેર જિલ્લાના તમામ મતદારોનો પણ આભાર માનું છું જે મોદી સાહેબનું સપનું છે કોંગ્રેસ મુક્ત ભારત, એમાં વડોદરા જિલ્લાએ સૌથી પહેલો સહકાર આપ્યો છે અને આ જ રીતે આગળ વધતો રહેશે અને કોંગ્રેસ મુક્ત ડભોઈ પણ બનાવીશું।